वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और वस्तुएं यदि हमारे लिए उपयोगी हैं तो वो संसाधन की तरह कार्य करती हैं। यानी वो सारी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं वो संसाधन होती हैं। तो संसाधन तीन प्रकार के बताए थे, एक प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। तीन संसाधन हुए। मानव संसाधन यानी मानव खुद, जो शिक्षित हैं, जो कुशल हैं, जो स्वस्थ हैं, जो देश के लिए कार्य कर सकते हैं, वो मानव संसाधन कहलाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार के थे, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जो नष्ट जल्द हमें मतलब प्रतिपूर्ति होती रहती है, जैसे सौर ऊर्जा, आज खर्च करो कल फिर मिलेगी, कल खर्च करो परसों फिर मिलेगी। जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है, हवा तो चलेगी, नष्ट नहीं होगी, तो उसका हम प्रयोग करते रहे। और एक होता अनवीकरणीय, जैसे कि कोयला आज हमने खर्च कर लिया तो कल भी मिल जाएगा, लेकिन वो कोयला कौन सा है, जो हजारों लाखों वर्ष जिसे बनने में लगते हैं, और जो कोयला एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको उसको आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हरित ईंधन को, तो हमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारे अनवीकरणीय संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोल, वो ज़्यादातर हम किस में प्रयोग करते हैं, वाहनों में। किस में करते हैं, बिजली बनाने में कोयला और पेट्रोल डीजल। किस में प्रयोग करते हैं, वाहन, वाहन चलाने में। तो वाहन आज आपने देखा होगा ई रिक्शा चल रहे हैं, ई रिक्शा किससे चलते हैं, बैटरी से, बैटरी चार्ज होती है। तो हमें अधिक से अधिक ऐसे वाहन अपनाने पड़ेंगे जिसमें अनवीकरणीय संसाधन जो पेट्रोल या डीजल से ना चलते हों। तो पर्यावरण प्रदूषण आज जिस स्तर पर है वह मानव जीवन के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं। और कल रिपोर्ट बताई गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग, जो तापमान बढ़ रहा है, इसके कारण सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, उनके रोज़गार, उनकी कार्यशैली प्रभावित हो रही है। तो हमें पर्यावरण प्रदूषण आज देखिए, अगर हम अनवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो उसके दो नुकसान, एक तो वो नष्ट हो खत्म हो रहे हैं, और दूसरा उनसे प्रदूषण भी फैलता। तो पर्यावरण प्रदूषण आज जिस स्तर पर है वह मानव जीवन के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आज जिस तरह की बीमारियाँ संक्रमण सिर उठा रहे, देखिए आप, कहीं कोरोना, कहीं कुछ ऐसी बीमारियाँ आ रही हैं, सब कारण क्या है, प्रदूषण। तो अनुकूल आज जिस तरह की बीमारियां और संक्रमण सिर उठा रहे हैं, इसमें प्रदूषित दिनचर्या का बड़ा हाथ। पर्यावरण की चिंता किए हुए बगैर जिस तरह जहरीले धुएं का कारोबार हो रहा है, वह मानव जीवन के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा करता है। धुआं चाहे पराली का हो, कारखानों की चिमनियां का हो, पटाखों का जहरीला धुआं हो, शुद्ध वायु के लिए बड़ा खतरा है। अभी दिवाली हुई, कितने पटाखे चले, लोग चलाते हैं, हमारे पास पैसा, हम चलाएंगे, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा धर्म है। लेकिन बड़े बुजुर्ग अस्थमा के शिकार, सांस की बीमारी शिकार हो जाते हैं, पर्यावरण में धुंध छा जाती है। ये 100% सच है कि पहले की दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। पहले ही जो हरे भरे वृक्षों की कटाई और सीमेंट कंक्रीट के फैलते जाल से ज़मीन में रिश्ते पानी का रुकना, आप देखिए सड़कें बन रही, जिसे देखो वो पक्का फर्श बनवा रहा है, पक्की सड़कें बन रही, तो पानी का रिसाव जो हमारे ज़मीन के अंदर जाता था बरसात का पानी, वो नहीं जा रहा, जबकि हम दोहन कर रहे हैं। मक्का, हम बेमौसमी मक्का करते हैं, साथ साथ पानी लगाते हैं, ऐसी फसलें करते हैं जिनमें बहुत पानी लगता है, लेकिन ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा रहा है। मानव जीवन को अगर स्वस्थ और दीर्घायु बनाना तो हर हाल में पर्यावरण के हित में काम करना हो। हरित ईंधन क्रांति, हरित ईंधन क्या है कि सरकार के इरादों से जन भावना का मेल जरूर, हरित ईंधन के प्रयोग से वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। प्रदूषण आज के समाज की एक गंभीर समस्या है, इसे रोकने के लिए हर संभव उपाय किया जाना चाहिए जिससे इसके खतरों से बचा जा सके, हम सभी के अस्तित्व की रक्षा। हरित ईंधन को आवश्यक बनाया जाना महानगरों में वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हरित ईंधन योजना पर काम करके नई कारों के अलावा अन्य मोटर गाड़ियों, महानगरों के अलावा देश के अन्य नगरों में प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। तो देखिए, प्रदूषण को कम करने का एक उपाय ये भी है कि हम कैसा ईंधन प्रयोग करें, हरित ईंधन। हरित ईंधन वो ईंधन होता है जिससे कि पर्यावरण में प्रदूषण ना हो, क्योंकि आज देखिए सबके पास कार है, लगभग ज़्यादातर घरों में कार, साइकिल से तो लोगों ने चलना बंद ही कर दिया, लोगों को शर्म लगती है, लोग कहते हैं अरे मैं, हम क्या इतने पिछड़े हैं, लोग कर्जा लेके बैंक से लोन लेके मोटरसाइकिल लेते हैं और दिन भर उसको रेतते हैं, दिन भर उसको चलाते हैं, तो प्रदूषण फैलता। ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएं, ई रिक्शा का प्रयोग करें और सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। हमें देखिए कार लाते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है कि आज देखिए ज़्यादा लोग आएँ तब तो ठीक है, अकेले बैठ के आओ जाओ तो इससे क्या होता है कि हम अकेले बाइक से भी जा, साइकिल से जा सकते हैं या दूसरे वाहन से जा सकते हैं, लेकिन कार से अकेले अगर आएंगे कितना प्रदूषण होगा।
तो कम से कम अगर आप चलाते भी हैं तो कम से कम चलाएं। तो ऐसे वाहनों का प्रयोग ना करें जिनमें प्रदूषण हो रहा है। हरित ईंधन से चलने वाले वाहनों का, अब सरकार जो इलेक्ट्रिक कार आई है उसको प्रोत्साहन दे रही है, जगह जगह इसको रिचार्ज उसको चार्ज करने वाले स्टेशन बनवा रही है। जैसे कि हमारी कार इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल तो हम कहीं भी डला लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक से चार्ज करने वाले अभी स्टेशन कम हैं। पता लगा हम कहीं गए और हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, हम वहीं खड़े। तो सरकार अब जगह जगह पावर स्टेशन बना रही है कि उनको चार्ज किया जा सके। तो हमें अधिक से अधिक कैसे ईंधनों वाले वाहन प्रयोग करना चाहिए, हरित ईंधन वाले, और अगर डीजल पेट्रोल वाले कर भी रहे तो कम से कम प्रयोग करना चाहिए। बात आई समझ में? तो ये थी प्रदूषण में, पर्यावरण प्रदूषण को फैला